सुपरस्टार होना कितना डिफिकल्ट है और कितनी प्राइवेसी मिल पाती है? आई डोंट थिंक फिल्मों में काम करने शुरू करने के बाद ये सोचना चाहिए कि हमें प्राइवेसी भी मिलेगी. ये पब्लिक वर्क है, पब्लिक फिगर है, तो कहीं पर भी किसी के भी सामने जाकर मतलब द होल आइडिया इज कि द पीपल शुड लाइक यू एंड शुड हाउंड यू एंड ट्रबल यू एंड लव यू एंड स्क्रीम एट यू. तो ऐसा तो नहीं है कि सुपरस्टार बनके बड़ी डार्क ग्लासेस पहनकर मैं बुरका पहनकर छुप कर कहीं जाऊँ. द आइडिया इज आई एम अ मूवी स्टार एंड आई लाइक पीपल लाइकिंग मी. और उल्टा मुश्किल इस बात की रहेगी कि जब मैं नहीं रहूँगा और लोग मुझे हाउंड नहीं करेंगे तो तब बुरा लगेगा. तो प्राइवेसी का इशू मुझे है ही नहीं. बट येस, मेरी अपनी प्राइवेट लाइफ है, मेरे अपने कुछ 5-10 दोस्त हैं, मेरे कुछ लोग हैं जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, मेरे अपने बच्चे हैं, फैमिली है. सो आई एम वेरी हैप्पी विद द प्राइवेसी आई हैव. इससे ज़्यादा मैं सोचूं कि प्राइवेसी, अभी मेरे बेटे बेटे की फ़ोटो पे मैगजीन में आई हुई थी, अब नहीं आनी चाहिए, लेकिन उससे मैं ये सोचूं कि नहीं ऐसा तो गलत है और मैं लड़ लूँ उन लोगों से, तो वो फ़ायदा नहीं. क्योंकि यस आई एम, मैं भी मीडिया को इस्तेमाल करता हूँ अपने काम के लिए. मीडिया ने पिछले 20 सालों में आई थिंक 99.9% मुझे सराहा ही है. मुझे शायद, एक्चुअली शायद नहीं, ज़रूरत बात है ये कि कहीं ना कहीं पर जो मैं स्टार हूँ वो भी मीडिया की वजह से भी हूँ, मेरे काम की वजह से हूँ, फिल्मों की वजह से हूँ. बट आई थिंक न्यूज़ चैनल्स, पीपल लाइक यू, एवरीवन, वेदर दे लाइक मी और नॉट, आई थिंक मेरे साथ इंटरव्यूज़ किए हैं, मुझे लोगों के पास करीब पहुँचाया है, तो मैं कंप्लेन नहीं कर सकता कि यार ये क्यों हो गया. अब इतने सालों के बाद आई थिंक 90% ऑफ द लोग मुझे शूट करते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं, मैं उनको जानता भी हूँ, अगर नाम ना भी याद रहो तो शक्ल से जानता हूँ, एंड आई रिस्पेक्ट दैट. मुझे कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि, मुझे लगता है हम सेम काम करते हैं, तो मैं अपने काम को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, तो आप लोगों को डिसरिस्पेक्ट नहीं करूँगा. प्राइवेसी में कई बार यू रीड आर्टिकल्स, यू रीड गपशप, हेयर गपशप ऑन योर टीवी चैनल्स, वो मालूम है सच नहीं है. ऐसे कभी कभी कुछ यंग लोग हैं टीवी के ऊपर भी कुछ बदतमीजी से भी बोलते हैं एक्टर्स के बारे में, इट्स ऑलराइट. अब वो उनका, वो उनकी क्वालिटी है, वो उनका नेचर है, उनका कैरेक्टरिस्टिक है, इट डज़ नॉट शो कि मैं कैसा हूँ. और मुझे प्राइवेसी का कोई इशू नहीं, मैं बहुत खुश हूँ जैसी मेरी ज़िंदगी. इतने साल गुजरने के बाद आज जब आप फिल्में चूज़ करते हैं तो कुछ पर्टिकुलर चीज़ें देखते हैं फिल्मों में? मैंने फिल्में हमेशा ऐसे चूज़ की जो मेरे दिल को अच्छी लगी, कि मैं 2-3 फिल्में कर सकता हूँ साल में, आई थिंक 3 फिल्मों से ज़्यादा होती नहीं है, 100-150 दिन एक फिल्म के लगता है. तो मैं कभी भी, मैंने कोई कैलकुलेट करके फिल्म नहीं की. अभी मैंने चक दे इंडिया की है, जो एक ऑफ बीट सी डिफरेंट फिल्म है, जिसमें कोई हीरोइन नहीं है, गाने नहीं है. मैंने कैंक, जो आई थिंक अलग है, डॉन जो रीमेक है, सो मुझे जो फिल्म अच्छी लगी उस वक्त मैं कर लेता हूँ. कोई ऐसा मैनिपुलेटिव थॉटफुल प्रोसेस नहीं है. और फिर जो डायरेक्टर्स आते हैं, मैं किसी को फ़ोन करके तो बोल नहीं सकता कि मुझे उस फिल्म में रखो. जो चॉइस मिलती है उसके विद इन 3 फिल्में, बहुत रैंडमली नहीं, बट आई थिंक मुझे देवेंद्र वर्मा साहब ने एक बार बोला था कि एक फिल्म धन के लिए करो, एक फिल्म मन के लिए करो, और एक फिल्म ऐसे ही फन के लिए करो. तो शुरू में मैं ऐसा करता था, लेकिन अब मैं अमूमन फिल्म्स जो है मन के लिए ही करता हूँ, तीनों फिल्में, एंड दैट्स द ओनली रीज़न. उसमें और कोई नया तरीका नहीं है चूज़ करने का. इतनी सारी फिल्मों में कोई ऐसी एक फिल्म है जिसे आप सोचते कि हाँ रिग्रेट करता है कि नहीं करनी चाहिए थी? आई डोंट थिंक किसी को ऐसा कहना चाहिए अपने काम के बारे में, इट्स नॉट बीइंग डिप्लोमेटिक, बट लाइक जब मैं कर रहा था मैंने बहुत इन्जॉय किया. 2-3 फिल्में ऐसी जो मैंने करते वक्त इन्जॉय नहीं की, उनके बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो लोग सीनियर हैं, और उनमें से एक शायद चली भी नहीं. बट 2 फिल्में ऐसी हैं जो मैंने बहुत चली भी और मुझे इन्जॉय नहीं की. तो मेरे को वो प्रोसेस बहुत अच्छा लगता है, जो 100 दिन में फिल्म बनाता हूँ, वो अगर इन्जॉयबल नहीं है तो मुझे फिल्म रिग्रेटेबल हो जाती है. लेकिन मैं प्रोफेशनल हूँ, और एक बात और मेरे दिमाग में, जो काम अच्छा ना लगे उसे जल्दी ख़त्म कर दो, कि वो काम परेशान ना करे, कि यार निकाल दो इसको, सिस्टम से निकाल दो. सो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जो फिल्म मुझे अच्छी लगती है मैं जल्दी से कंप्लीट करके प्रोड्यूसर को देता हूँ कि मेरे सिस्टम से निकल जाए वो फिल्म. सो आई हैव नॉट इन्जॉयड, ऐसा फिल्म देख कर बुरी कभी नहीं लगी, अच्छी कभी नहीं लगी. फिल्म करते वक्त उसमें अच्छी बुरी मोमेंट्स थे, मैं इन्जॉय नहीं किया, टीम अच्छी नहीं लगी, या मैं टीम के साथ दोस्ती नहीं कर सका. बट या देर आर अ फ्यू, बट आई थिंक इट्स रॉन्ग फॉर मी टू टॉक अबाउट देम नाउ, बिकॉज दे रिलीज्ड एंड पीपल हु मेड देम आर हैप्पी नाउ, सो इट्स रॉन्ग फॉर मी टू से दैट. और एंडोर्समेंट की बात की जाए तो हर दूसरे प्रोडक्ट में शाहरुख खान नजर आते हैं, पर फिर भी कभी हमने उन्हें रेस्टोरेंट की ओपनिंग में नहीं देखा. कुछ खास वजह है इसके पीछे?
नहीं ऐसा नहीं है, आई एंडोर्समेंट्स तो मैं बहुत सालों से, आई थिंक मैंने तो एंडोर्समेंट्स शुरू किए हैं बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में, मुझसे पहले कोई एंडोर्समेंट्स करता ही नहीं था. आई थिंक आई स्टार्टेड द ट्रेंड एंड आई रिस्पेक्ट एंडोर्समेंट्स. आई रिस्पेक्ट कोई कंपनी आए मुझे कहे कि आप हमारी कंपनी का फेस बन जाओ, आई रिस्पेक्ट दैट एंड आई डू इट. बाकी ओपनिंग्स वगैरह के लिए मुझे वक्त नहीं मिलता, मैं ज़्यादा सोशल भी नहीं हूँ, रेस्टोरेंट्स वगैरह जाता नहीं हूँ, और फैशन शोज भी मुझे अजीब से लगते हैं. बट कोई पर्सनल दोस्त का हो, किसी का फ्रेंड का हो, तो आई हैड गॉन वंस, आई थिंक शबीना और मनीष मल्होत्रा ने एक रेस्टोरेंट डिज़ाइन किया था, तो मैं उस ओपनिंग पे चला गया. बट प्रोफेशनली एनी वेज आई डोंट गो फॉर ओपनिंग्स, कि आई डोंट चार्ज एंड गो फॉर ओपनिंग्स, आई डोंट डू दैट बिजनेस एट ऑल, बिकॉज मुझे वो समझ नहीं आता वो बिज़नेस. और कई बार लोग बुलाते हैं, अगर कोई जान पहचान हो तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मैं एंटी रेस्टोरेंट्स हूँ या एनीथिंग. बट आई डोंट लाइक ईटिंग आउट, मुझे कोई ऐसा शौक नहीं है कोई रेस्टोरेंट में जाके खाना खाने का. लेकिन कोई दोस्त का हो, अभी एक और आई थिंक बॉबी देओल ने खोला था, सो आई वेंट फॉर दैट ओपनिंग ऑफ दैट रेस्टोरेंट. सो इफ सम फ्रेंड इज ओपनिंग एंड एक्सपेक्ट मी टू कम, मैं फ्री हूँ तो चला जाता हूँ, बट प्रोफेशनली आई डोंट गो फॉर ओपनिंग्स.